हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी नो कांटेक्ट में, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो क्या है उनकी एनर्जी, क्या वो वापस से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपसे जिनसे आपकी करेंटली दूरियाँ हैं, आप दोनों दूर हुए एक दूसरे से, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है या लेस कांटेक्ट है, कम बातचीत हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, या ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन है। तो चले जाने की कोशिश करते हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या महसूस करते हैं, क्या है उनकी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये कैंसर स्कॉर्पियो पैरिसिस हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, 7 नंबर 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये ज़रूर आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है देखकर कि आप दोनों मिरर कर रहे हो, जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी एनर्जी है सेम आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों का मुझे एक सा एनर्जी दिखाई दे रहा है, एक सा थॉट्स दिखाई दे रहा है, एक सा फीलिंग्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो या निगेटिव थॉट्स आपका है आपके पार्टनर को लेकर, सेम वही फीलिंग्स, वही थॉट्स, वही एनर्जी आपके पार्टनर का भी है आपको लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत बार जो आप शो करते हो, ये जो आप प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो, जो आप दिखाते हो, वो एक्चुअल में होता नहीं है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप बहुत बार खुद को ऐसा दिखाते हो कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आपके लाइफ में, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जब आप दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं खुश हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरी लाइफ में, उस वक्त भी वो जान लेते हैं कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आप सच में खुश हो या बस दिखाने के लिए खुश हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है। और आपके पार्टनर का भी वही एनर्जी है, बहुत बार वो ऐसे शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं लोगों को, सोसाइटी को, या फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, या कलीग्स में, जहाँ पर भी वो हैं, कि वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, सब कुछ नॉर्मल है उनके लाइफ में, पर ऐसा होता नहीं है। तो चाहते हैं कि आप सच्चाई को जानो कि वो कैसे हैं। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, क्या उनको दिखाना पड़ रहा है, रियलिटी क्या है, आप समझो, आप जानो। ठीक है, वो आपको जानना चाहते हैं, मिलकर कुछ कहना चाहते हैं, मिलकर आपको समझना चाहते हैं, खुद को समझाना चाहते हैं। आपके पार्टनर का सोच क्या है पता है, एक कम्युनिकेशन से, एक मीटिंग से आप दोनों के बीच बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ सही हो सकती है, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी होगी अगर एक बार आप दोनों मीटिंग कर लेते हो, आमने सामने आ जाते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको शो करना, खुद को ओपन करना इनके लिए आसान होगी, ये आपके पार्टनर का सोच है। और देखते हैं नो कांटेक्ट में और क्या कुछ सोचते हैं, आपके सामने आने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपके सामने आए, मिलकर कुछ कहना चाहते हैं या मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चोरी छिपे आपको स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए दूर से, आपके बारे में खबर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे कभी हेट ना करो, इनके बारे में कुछ गलत ना सोचो, ये ना आपका दिल भी जीतना चाहते हैं एक तरह से मैं अगर देखूँ तो। अगर आज ये आपके दिल में नहीं हैं, ये दिल से निकल गए हैं, उतर गए हैं, ये आपके हार्ट में पहले जैसे प्लेस बनाना चाहते हैं जो कि इनका था। ठीक है,
उससे प्लेस बनाना चाहते हैं। इनको नहीं पता कि इनको कैसे करना है, कैसे वापस से आपके दिल में जगह बनानी है, कैसे कैसे आपका दिल जीतना है, कैसे आपसे बात करनी है या कैसे वापस से स्टार्ट करनी है, इनको नहीं पता। पर हाँ, ये करना ज़रूर चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए आसान है चीज़ों को सही करना, पर इनको ऐसा लगता है कि मुश्किल है। ये देख नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आसान है। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त सही कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। अगर आप सोचो या मैं सोचूं या कोई और देखें तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आसान है इनके लिए। पर आपके पार्टनर के लिए इनका खुद का सोच ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सही करूं, कैसे उसे बात करूं, कैसे मीटिंग करूं या कैसे मैं नज़दीकियां लाऊं हमारे बीच, कैसे नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आऊं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। आप दोनों के बीच एक दीवार है, दीवार खड़ी हो चुकी है और अब इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये इनका सोच है। 5 नंबर, 7 नंबर या 57 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या 75। और क्या है नो कांटेक्ट में इनकी एनर्जी? क्या सोचते हैं आपके बारे में? ओवर थिंक करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ये। ठीक है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी कभी इनको लोगों पर, इनके आसपास जो हैं, इनके अपने खुद पर काफ़ी गुस्सा आता है। कभी आप पर आता है कि अगर आज हमारा सिचुएशन ऐसा है तो क्या गलती सिर्फ मेरी थी? उसकी भी तो थी, उसने भी तो ये कहा मुझे, उसने भी तो ये किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो यहाँ पर वो भी गलत थी या वो भी गलत था, वो भी तो गलत रहे हैं। पर उनको अपनी गलती कभी दिखता नहीं है। ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है। जब ये डीप थॉट्स करते हैं, जब ये पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर का एनर्जी ना मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये डाउटफुल एनर्जी में है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जानते हैं आपको कि आप काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, आप शेयरिंग हो, और आपका ये नेचर लोगों को मजबूर कर देता है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो। ठीक है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आप काफ़ी स्वीट हो, तो आपका जो नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एनर्जी है, इनको ना डर लग रहा है कि कहीं किसी को आपसे प्यार ना हो जाए, कहीं आप किसी और की ओर अट्रैक्ट ना हो जाओ, कहीं कोई आपके लाइफ में आ ना चाहे। ठीक है, कोई और आपके लाइफ में एंट्री ना कर ले, कोई इनकी जगह ना ले ले। ठीक है, किसी के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप ना स्टार्ट हो जाए, इनको डर है, फियर है। आपके पार्टनर ये कभी नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है वो आप किसी और से शेयर करो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई और हो। अगर आपको इनसे शिकायत है, जो भी है आप इनको कहो, ना कि किसी और से आप बात शेयर करो। इनको पसंद नहीं है कि आप दोनों के बारे में किसी तीसरे पर्सन को बताओ, नहीं, इनको ये पसंद नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं जैसे आप पहले रहते थे इनके साथ, आप वैसे हो जाओ। ठीक है, पहले आप काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी केयरिंग शेयरिंग थे, आप काफ़ी लवफुल एनर्जी में थे, आप वैसे हो जाओ। ठीक है, ये आपका प्यार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनसे बात करो, चीज़ें शेयर करो। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या आप दोनों के बीच बातचीत होती है या हो रही है, आप शेयर करो जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो आप इनके बारे में सोचते हो, जो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपके रिश्ते के बारे में सोचते हो, आप बताओ इनको, आप इनसे शेयर करो, ये चाहते हैं। कई लोगों के लिए ये खुद आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बट स्टार्ट आपसे चाहते हैं कि स्टार्ट आप करो। ठीक है, ये आपके पार्टनर का सोच है। क्या कोई एक्शन लेंगे ये आपके लिए? क्या कोई एक्शन ले सकते हैं ये? यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। क्या हो सकता है इनके एक्शन?
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? ओके, कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं, फाइट करना पड़ रहा है इनको, ठीक है, आपसे फाइट कर सकते हैं कई लोगों के लिए कि तुम उसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, चाहे ये दिखाए या ना दिखाए, कहे या ना कहे, शो करे या ना करे, पर अगर ये आपसे फाइट कर रहे हैं जब आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या आपसे बात करने को आ रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आप पर, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ये उखड़े उखड़े से हैं, जान जाना है कि आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच दूरियां थी और आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या अगर करते भी थे तो ये ज़्यादा चाहते थे, ठीक है, कि आप सामने से इनके क्लोज जाओ, इनके करीब जाओ, आप बातचीत करो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपसे फाइट कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे इनको फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि किसी और से लड़ झगड़ रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए किसी और से लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आउटसाइडर हैं, अगर कोई और हैं, कोई खिलाफ हैं आपके रिश्ते के, आपके कनेक्शन के, आप दोनों के, तो उनसे लड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपसे मिलने को आ सकते हैं, ठीक है, आपसे मिलने को आ सकते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मिलने को आ रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों के बीच कम रिलेशन हो रहा है या हील हो रहा है, खुद को हील करके, आपके कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एफर्ट्स, इनका एक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हील हो रहे हैं, आपका रिश्ता कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। मुझे फाइट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, पर फाइट हो रही है, पर चीज़ें इससे सही हो रही है, ठीक है। आपसे क्या उम्मीद करते हैं, आपसे क्या उम्मीद करते हैं आपके पार्टनर, इनके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, क्या उम्मीद करते हैं? ओके, थोड़ा सा सब्र रखो आप, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, और जो ये चाहते हैं आपसे या आपके कनेक्शन से, ये कह देंगे आपको, ठीक है, इनको इंतज़ार कराना है या खुद इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्या हो, क्या मायने रखते हो, कितना इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए, आप इनके लिए क्या हो, इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इंतज़ार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने कैरियर पर फोकस करो, आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप इनको सपोर्ट करो, अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए है, गलती हुए है, या आप दोनों से हुए है, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने क्या गलत किया है, तो अगर आपसे भी गलती हुए है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो आप रियलाइज़ करो, आप फील करो, आप एहसास करो कि आपने क्या गलत किया है, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और आप इनसे यूनियन करो, अपने मिस्टेक्स को याद करके, उसको रियलाइज़ करके, उसको एक्सेप्ट करके, आप इनसे यूनियन करो, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, हिल रिलेशनशिप चाहते हैं, या मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, हक चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लॉयल्टी ऑनेस्टी चाहते हैं, ये खुद रहेंगे आपके लिए अगर ये आपके ट्रू लवर हैं। क्या कुछ हो सकता है, कब तक आप दोनों कांटेक्ट में आओगे, क्या ये खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या खुद से कांटेक्ट करेंगे? यस, मुझे लग रहा है कि आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे, टाइम लग सकता है कई लोगों के लिए, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, जो आपका ट्रू लवर है वो आपको कांटेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको लेकर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ऐसे पर्सन भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका ट्रू लवर है ना, वो सच में आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, जो वो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट दिला रहे हैं सोसाइटी से, फैमिली से,
रिस्पेक्टफुली आपका साथ चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं आपके साथ, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, काफ़ी सही कर रहे हैं, जो आपका ट्रू लवर है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया देख रही है। आप इंडिपेंडेंट बनोगे, ठीक है, अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीखोगे, ये जो लव है, कनेक्शन है, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बना दिया है, आप इंडिपेंडेंट बनोगे। ऐसा लग रहा है अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली, पर आप अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हो, जो आपका फ्यूचर है, जो आप बढ़ रहे हो आगे, आने वाला जो समय है काफ़ी खूबसूरत है आपका, ठीक है, आप अपनी खुशियों की ओर आगे बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, सुकून की ओर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी रियल खुशी की ओर आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रू लवर्स का यूनियन हो रहा है, ट्रू लवर्स साथ में आ रहे हो, या उनका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, आप साथ में आ रहे हो। कई लोगों के लिए टाइम लगेगा, जो आप ड्रीम देख रहे हो आपके पार्टनर के साथ, उनका भी ड्रीम आप हो, या वो भी वही चाहते हैं, यानी कि यूनियन, रीयूनियन, तो बिल्कुल ये होने जा रहा है अगर दोनों चाहते हो तो, ठीक है। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बने होंगे, ठीक है, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो आप खुद बनने जा रहे हो, ठीक है। अगर आपका ट्रू लवर आपके लाइफ में नहीं है, तो अपने ट्रू लवर से आप मिलने वाले हो कैरियर के थ्रू, ठीक है, वो आपके ड्रीम में आएंगे। उनके आने से पहले, उनके यूनियन में आने से पहले वो आपके ड्रीम में आएंगे। आपकी एनर्जी ऐसा हो सकता है कि अब मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए, अगर आपका दिल टूटा है, या आपको हर्ट हुआ है, आपने काफ़ी पेन देखा है, या आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपने उम्मीद काफ़ी किया था, आपने खुद को बिल्कुल समर्पित कर दिया था, बट आपको सक्सेस नहीं मिला, आपके कनेक्शन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो आपकी एनर्जी ये होगी कि अब मुझे लव नहीं चाहिए, लव से आप भागोगे, एक दीवार खड़ी कर दोगे अपनी लाइफ में कि अब मुझे किसी को आने नहीं देना है, पर आप आगे बढ़ रहे हो अपने कैरियर में, और कैरियर के ही थ्रू आप अपने राइट पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। खुद आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप काफ़ी कुछ हासिल करोगे, काफ़ी सक्सेस हासिल करोगे, और जो आपका ट्रू लवर है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी वॉइस इंटेलिजेंट, तो ऐसा दिखाई दिया है मुझे। जिनसे आज आप कांटेक्ट में नहीं हो, जिनसे आप कांटेक्ट चाहते हो, क्या उनसे आप कांटेक्ट में आओगे? बिल्कुल, कई लोग कांटेक्ट में आ रहे हो, ठीक है, पर कई लोग का एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद भाग रहे हो, ठीक है, आप खुद कांटेक्ट नहीं चाहते, आप खुद दीवार खड़ी कर रहे हो, आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि जितना आपने ना बहुत इंतज़ार किया है, आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, जो आपको उम्मीद था कि इस टाइम तक मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में आ जाएंगे, तब तक वो नहीं है, तो आपका जो था सब्र वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो आपका फोकस मुझे खुद पर दिखाई दे रहा है, अपनी लाइफ पर दिखाई दे रहा है, कैरियर पर दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिखाई दे रहा है, आप सही रास्ते पर हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, और ट्रस्ट रखिए, ठीक है, भरोसा रखिए, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो कई लोग का एनर्जी ऐसा, फिर से कहूँगी, अगर आप अपने ट्रू लवर से डील कर रहे हो 6 वीक्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर, आप दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, यूनियन में आ जाओगे, ठीक है, स्पेशली 6 वीक्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर, कई लोगों के लिए काफ़ी जल्दी, ठीक है, 6 डेज के अंदर ही या 6 आवर्स के अंदर ही। और अगर ये आपके ट्रू लवर नहीं हैं, इनके साथ आप ख़त्म करना चाहते हो, या सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनके लाइफ में कोई और हैं,
तो आप अपने लवर से, ट्रू लवर से जल्द ही मिलोगे, ठीक है, 6 months के अंदर। तो ये आ रहे हैं आपके लिए मैसेज। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।